मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम। तो फिर चल, आज मैं तुझे गजी बंधन का त्योहार है और मैं शंका फसाद नहीं करना चाहता। ओ अरे तेरे पास तो कोई बहनिया ही नहीं थी, किसे अपनी बहनिया बना लिया? ये हमारी बहन है, इसको यानी इसे अपनी बहनिया बनाया है और आज ये राखी बंधन का त्योहार करेगा। दूर हो जाओ वरना फिर तुम दोनों जिंदा नहीं बचोगे। जा रहा हूं, लेकिन यह मत सोचना कि शाखा तेरी तरफ से जा रहा है। अरे मैंने तो कसम खाया था कि तैयारी करो।
अपने बजट तुम्हें बाबू डॉक्टर लाखा से मुताले रहे हो मैं बंचे अपनी माँ को बचाने उस हराम जादे को चिंता नहीं छोड़ो आगे सूरत दिन मेहता की तरफ से 30 रुपया हरमानी को व्यवहार और साहब ने आगे राम खिलावन गौड़ मेहता की तरफ से 51 रुपया व्यवहार राम लखन भैया 51 रुपया व्यवहार 10 रुपया इनाम शुक्रिया वो शराब लेते बाका वो पकड़ के नहीं रहे हैं राजकुमारी जी हम उसकी माँ को उठा करके लाए हो लेकिन आप बाकरों क्यों नहीं लाए वो हराम ज्यादा न जाने की सूरत में छुप गया है अब जिस दिन वो हमारी नजरों के सामने आएगा गोली से मारा जाएगा ठीक है मैं इससे पूछेगी साली बुढ़िया जब नहीं बेटी राजकुमारी खूनी हमारा बेटा नहीं है बल्कि खूनी तो कोई और है आप उसे पता कीजिए राजकुमारी जी मेरा बेटा खूनी नहीं है जी, इसे मार मार कर पूछा जाए किसके बेटे ने हमारे पिताजी को खून मारा है ये साली गुड़िया सब कुछ कबूल करेगी और नहीं करेगी तो मारते मारते बदन से खून निकाल लूंगा बताओ कौन है तेरा बेटा तू चाहे मारते मारते मुझे मार डाल क्या मुझे मालूम है कि मेरा बेटा कहाँ है तो मैं क्या बताऊंगे सब बताएगी सब बताएगी
मतलब कि इस हराम जाने को मैं ना मारूं? हाँ मित्र जी, सिरे पत्र बुलाया जाए। कोई बात नहीं, आपका हुक्म सलाखों पर है। दिमागी ललवा, जा फटाफट सेना पत्र बुला के लाओ और बता देना कि राजकुमारी तुम्हारा इंतजार रहा दरबार पे कर रहे जाओ। ये तुम बस सोचना कि मैं बच गया, मैं नहीं तो तुझे सेनापत मान के घाट उतारेगा लेकिन बचेगा नहीं। राजकुमार जी, आप मुझे याद करिए। हाँ सेनापत, बात क्या है? ये डाकू बाघा, इसने महाराज का खून किया है। हाँ सेनापत, इसने महाराज का खून किया है। राजकुमार जी, ये महाराज का कत्ल है और मैं आपका सेनापत हूं। मुझे बंदूक की जाए, इस कत्ल को हम इस जहाज से मिटा देंगे। सेनापत को बंदूक दी जाए। सेनापत, इसे मार मार कर पूछिए किसने खून किसने किया है। राजकुमारी जी, आप चाहे मैं से सब कुछ पूछ लूंगा। कहते हो इसलिए कि मैं मरते हुए इन लोगों को नहीं देख सकती। चाहिए राजकुमारी जी, मारने तेरा क्या बिगड़ा था जो तुमने उन्हें गोली मार दी। सेनापति, मेरा विश्वास कीजिए, मैं सच कहता हूं, मैंने महाराज का खून नहीं किया। एक चाकू होकर सत्य की भाषा बोलता है। सेनापति, मैं सच कहता हूं, मैं महाराज का खून नहीं किया। बाघा, इतनी छोटी सी उम्र में इतने बड़े बड़े कांड करता है। तूने हमारे महाराज की गोली मारी है, आज मैं तुझे इस जहां से मिटा दूंगा। चल मरने के लिए तैयार हो जा। Thank you.
था स्वामी जी मैं फिर आई। हाँ आप जिस पर वार करने जाते हो वो कोई गैर नहीं बल्कि आपका अपना ही बेटा है। मेरा बेटा स्वामी जी? नहीं संत नहीं, मेरा बेटा किसी का खून नहीं कर सकता। ये डाकू मेरा बेटा हो ही नहीं सकता है। स्वामी जी सती इसने महाराज को मारा है और मैं आके सेनापति हूं। मेरा फर्ज यही कहता है इसे गोली मार दी जाए। सती कोई किसी अपने आप ही कट जाएंगी। मैं घोर मुझे
आराम जाने खोल के क्या मैं अपनी जिंदगी में तेल लगवाना चाहता हूँ।